हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सिंपल भिंडी की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो भिंडी। भिंडी को पहले मैंने वॉश किया था, उसके बाद अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ के फिर मैंने इसे कट किया है। 2 से 3 प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं। मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है अजवाइन, 1 चम्मच मैंने लिया है सौंफ पाउडर और बाकी इसमें नॉर्मल मसाले यूज़ होंगे जैसे हल्दी, नमक और मिर्च। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने दो से तीन चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा। अजवाइन एक चुटकी, हींग। ये तीनों चीज अच्छे से भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल प्याज। प्याज अच्छे से फ्राई हो रही है मेरी। प्याज को मैं हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। यह भी थोड़ी ब्राउन हुई है, अब इसके बाद इसे मैं थोड़ा सा और ब्राउन करूंगी। अब प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप नमक ऐड करोगे। सारे मसालों को और भिंडी को अच्छे से मिक्स करना है। सारे मसाले और भिंडी डालने के बाद अब मैं इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने तक रखूंगी। थोड़ा सा लो फ्लेम में पकाऊंगी इन्हें। 10 मिनट के बाद एक बार हम अपनी भिंडी चेक कर लेते हैं। भिंडी तैयार है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर, सौंफ और गरम मसाला। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 नींबू का रस। नींबू का रस मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी भिंडी चिपके ना, और नींबू डालने के बाद इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। अभी मेरी भिंडी तैयार है, इसे मैं सर्व करूंगी भिंडी, प्लेन परांठे और दही के साथ। आप इसे ज़रूर ट्राई करना एक बार।